ये बात कर रहे थे कि एक मजदूर को दिन भर में 300 रुपए मिलते हैं तो महीने भर में उसके पास 9000 रुपए आते हैं। इस तरह से कोई गरीब नहीं है, है कोई गरीब? अगर हम गरीब होते हैं तो अपने कर्मों से होते हैं। उन 4 पैसों से आप अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकते हो, उन 4 पैसों से आप अपने बच्चों को जॉब करवा सकते हो, शादी करवा सकते हो, सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन अपनी किस्मत को खुद ही दाग लगाते हैं। पुड़िया को हाथ में रख के रगड़ते हैं, सारी जो भाग्य की रेखाएं हैं साथ में उन्हें भी रगड़ देते हैं। फिर वो नहीं मिटती है तो पीट पीट के उनको भगाने की पूरी कोशिश करते हैं और जोर से फूंक के अब तुम चली ही जाओ। तो वो जब भाग्य चला जाता है फिर कहते भगवान तुमने हमारे भाग्य में क्या लिख दिया। तो इस तरह से जो हम दुर्व्यसन के शिकार होते चले जाते हैं इससे हमारा ही परिवार नष्ट होता है। फिर हम मंदिर में कितना भी जाएं और भगवान से कहें भगवान सुख शांति हमारे जीवन में दे दो, भगवान क्या कर लेंगे? आप बताइए, कुछ कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? कौन करेगा? कौन करेगा? जो सब खड़े हैं हमारे सामने बताएं हाथ उठा के, कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम ही को करना पड़ेगा। और अक्सर मैंने लोगों को देखा है भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने मेरे भाग में ऐसा कर दिया, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, हमने ही सब कुछ किया। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हर समस्या का, हर परिस्थिति का जिम्मेदार मैं, अकेला मैं हूं, बस कोई नहीं है। और है कोई? कोई नहीं है। तो इस तरह से जो हम अपनी ही सुख शांति को गोली मार रहे हैं, अपनी ही सुख शांति को घर से भगा रहे, मंदिर जाने से हम वो मांगे तो भगवान नहीं देंगे। वो सुख शांति हमको ही लानी पड़ेगी। आप इन दुर्व्यसनों से दूर रहिए, फिर आप मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि इनके जो स्माइलिंग फेस है वो देख के हमको कुछ एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम जाते हैं। बाकी ये कहो कि वो आपको कुछ दे रहे हो, वो कुछ नहीं दे रहे। कर्म हमारे खोटे हैं, वो क्या दे देंगे? इस पे आपने कई सारी कहानियां भी सुनी होंगी कि व्यक्ति के जब कर्म में लक्ष्मी नहीं होती है, कोई कितना भी उसको दे, वो लक्ष्मी उसके घर में टिकती नहीं है, क्योंकि भाग्य में ही नहीं है। और भाग्य किसने उड़ाया? हमने। तो इसलिए हमें अपने को जगाना है। ये जागरूकता अभियान है, आपको जगाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। आप अपने घर में अपने बच्चों से प्यार करिए, अपने परिवार से प्यार करिए और अपने परिवार को बचाइए। और ये तब बचा पाएंगे जब आत्म जागृति आएगी। आज जब हम अपने को ही भूले हैं, तो जब अपने को भूले हैं तो फिर सारी बातें हम भूलते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आज उन दुर्व्यसनों से दूर रहने की ताकत हमें नहीं है। जहाँ 4 दोस्तों के संग में पढ़ते हैं वो जबरदस्ती करते हैं और हम फिर क्या हो जाते हैं? उनके दबाव में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें मनोबल चाहिए, उन चीजों से ना कहने की ताकत चाहिए। और वो ताकत आएगी आत्मा का अध्ययन करने से, परमात्मा को याद करने से। अभी जो ओम की ध्वनि कराई गई, उस ओम का मतलब यही है कि मन बुद्धि को एकाग्र करिए। और जब हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो पावरफुल मन हर चीज को ना कर सकता है जो गलत है। और जब आत्मा कमजोर है, व्यक्ति कमजोर है, कमजोर चीज को तो हर कोई अपने वश में कर लेता है। शरीर कमजोर होता है तो बीमारियां भी उसे अपने वश में कर लेती हैं या नहीं? तो ऐसे जब मन कमजोर होता है तो हर कोई उसे अपने वश में कर लेता है। जब वो व्यक्ति पावरफुल होता है तो कोई उसे वश में नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति देश में, समाज में, परिवार में बहुत उन्नति कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। आपने जॉर्ज वाशिंगटन की कहानी में सुना होगा कि वो एक बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए गए थे, लेकिन वो गरीब होने की वजह से उनके टीचर ने उनको एडमिशन नहीं दिया। और उनकी एक विशेषता थी, उस विशेषता को उनके टीचर ने पहचाना, उनको एक सेवा दी कि पास में एक कमरा है, उसको आपको साफ करना है। तो उन्होंने उस कमरे को अच्छे से साफ किया। अब उनके पास कुछ नहीं था तो अपनी शर्ट उतार के खूब रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ किया कि टीचर ने पहला मौका दिया है, शायद मैं उनकी नजर में आ जाऊं। और बड़े अच्छे से उन्होंने कमरे को साफ किया। उनकी जो टीचर थी, उन्होंने अच्छे से उस कमरे को चेक किया, हाथ लगा लगा के चेक किया। उन्हें मालूम था
कि धूल कहाँ कहाँ होती है, कोनों में, डेस्क में कहाँ कहाँ होती है, तो वहां वहां उन्होंने उस चीज को चेक किया और पाया कहीं कोई धूल के कण भी नहीं थे। और इस वजह से उन्हें उस अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया जहाँ पर बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते थे, एक विशेषता की वजह से। ऐसे आप अपने जीवन को नशा मुक्त बनाएंगे, आपका जीवन श्रेष्ठ सुंदर बनेगा, ब्रेन अच्छा काम करेगा, आपके जीवन में नई नई योजनाएं आएंगी, आप अपने परिवार को खुशहाल बनाओगे, समाज को खुशहाल बनाओगे और इस तरह से फिर देश को भी खुशहाल बना सकोगे। और नशेबाज व्यक्ति का ब्रेन काम नहीं करता, वो कोई योजना नहीं बना पाता और किसी भी चीज के कल्याण में सहयोग नहीं दे पाता है। इससे समाज भी अपंग बनता है और परिवार भी अपंग बनता है और ये कुरीतियां फैलती जा रही हैं। इस तरह से परिवार के परिवार नष्ट हो रहे, वो तो मर के चले जाते हैं और घर में पत्नी और बच्चे रोते रह जाते हैं। लोग हम लोगों से पूछते हैं क्यों कर रहे, अरे मरना तो है यार, नहीं तो कल मर जाए। अरे तुम्हें तो मरना है लेकिन जो पीछे बनाया है परिवार वो उसका क्या होगा, वो कभी नहीं सोचते। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ और सुंदर बनाना है। मानव जन्म जो हीरा दिया है भगवान ने, हीरे जैसा जीवन है, बड़े भाग्यमान उस तन पाया और उसको ऐसे कौड़ी के बदले खोने का आपको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। मंदिर में मूर्तियां बनाते हैं वो भगवान बन जाती है और भगवान ने ये मूर्तियां बनाई, ये शैतान क्यों बनती जा रही, कभी अपने से प्रश्न करिए। ये भी तो भगवान ने बनाई है, ये मंदिर इंसान ने बनाया, बड़ी वैल्यू है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और ये मंदिर भगवान ने बनाया, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये हमें समझना है, जब ये आध्यात्मिक क्रांति आएगी, जब आध्यात्मिक जागृति आएगी तो फिर हमारे मन से ये बुराइयां दूर होती जाएंगी। आज आध्यात्मिकता का अभाव है, भौतिकता का प्रचार है, इसीलिए ये कमियां आती जा रही है, इसीलिए कुरीतियां बढ़ती जा रही है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, आध्यात्मिकता का झंडा ऊंचा करना पड़ेगा, तब ये कुरीतियां समाज से भागेंगी और हमारा समाज श्रेष्ठ और सुंदर बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।